आज हम प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे इस वीडियो में. कन्वर्सेशन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कन्वर्सेशन ऑफ यूनिट पे जो आपका फर्स्ट प्रॉब्लम है वो कन्वर्सेशन ऑफ यूनिट पे है. सेकेंड प्रॉब्लम आपका डीसी सोर्स पे है. डीसी सोर्स में हमने आइडियल प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स पढ़ा था, देन आइडियल प्रैक्टिकल करंट सोर्स भी हमने देखा था. तो नाउ कन्वर्सेशन, फर्स्ट कन्वर्सेशन क्या बोल रहा है मुझे, हर्ट्स का किस में कन्वर्ट करना है, किलो हर्ट्स में कन्वर्ट करना है. तो किलो हर्ट्स के लिए कन्वर्ट करने के लिए मैंने कहा था. अब देखो सिंपली, अगर मैं फर्स्ट ए को अगर कन्वर्ट कर रही हूँ 1500 हर्ट्स को, तो 1500 ये जो हर्ट्स में है मुझे कन्वर्ट किस में करना है, किलो हर्ट्स में करना है. तो किलो इज़ नथिंग बट 10^3. ये जीरो अगर मैंने यहाँ पे इक्वल टू अगर 15 × 10^3, ये सिर्फ 2 ही हुआ. और मुझे किस में कन्वर्ट करना है, इसको किलो में करना है. तो यहाँ पे ए एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1.5 × 10^3. ये क्या हो गया आपका, किलो हर्ट्स में कन्वर्ट हो गया. 1500 हर्ट्स को मैंने किलो हर्ट्स में कन्वर्ट किया, तो मुझे क्या मिला, 1.5 × 10^3, दैट्स मीन किलो हर्ट्स ये मैंने कन्वर्ट कर लिया. अब सेकेंड मुझे कन्वर्ट करना है 11 kV into a volt में. तो ये 11 kV को किस में करना है, सिर्फ मुझे वोल्ट में कन्वर्ट करना है. अब यहाँ पे 10^3, तो मतलब ये कैसे आ जाएगा, किलो है तो × 10^3, तो क्या आ जाएगा आपका 11. तो इसके बाद कितने जीरो ऐड आ जाएगा, 1, 2, 3. इसको सिर्फ मुझे वोल्ट में कंसिडर करना है. अब इसका यूनिट क्या रहेगा, वोल्ट. ये हो गया आपका 11 kV को मैंने वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया. नाउ थर्ड पॉइंट था आपका सॉल्विंग के लिए, थर्ड पॉइंट क्या है, 1200 mA को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, एम्पियर में. तो 1200 mA है, तो मिली को हम डिनोट करते हैं 10^-3. माइनस थ्री को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, सिर्फ एम्पियर में कन्वर्ट करना है. तो अब इसका यूनिट क्या रहेगा, एम्पियर. तो यहाँ पे कैसे आएगा, अब इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो कैसे आएगा, माइनस है ऊपर गया तो ये पॉजिटिव हुआ, 1 ऊपर गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1.2 एम्पियर. इसका क्या आएगा आपका, 1.2 एम्पियर. नाउ सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं. अब सेकेंड प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, एक डीसी सोर्स है, ठीक है. तो उसका मुझे कैलकुलेट करना है इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि ये आइडियल हुआ क्या, आइडियल में क्या था हमारा, इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो था. बट प्रैक्टिकल में इंटरनल रेजिस्टेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू थी. मतलब ये जो प्रॉब्लम है वो किस पर डिपेंड है, मेरा आइडियल सोर्स या पे या प्रैक्टिकल डीसी वोल्टेज सोर्स पे डिपेंड है. तो ये प्रॉब्लम हमारा डिपेंड है आइडियल डीसी, सॉरी प्रैक्टिकल डीसी वोल्टेज सोर्स पे, बिकॉज आइडियल में मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या थी, जीरो थी. और यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है. तो आइडियल प्रैक्टिकल की, तो ये जो मेरा है सोर्स हो गया, इट इज़ अ वोल्टेज सोर्स, ठीक है. यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस होगा, ये मेरा आर ऑफ एस इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया. और यहाँ पे जो है हमारा लोड कनेक्टेड है, ठीक है. हम बाय फिगर समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो मेरा हो गया तो लोड हो गया. जब लोड नहीं था तो वी ऑफ एस की वैल्यू कितनी है, गिवन डाटा क्या आएगा हमारा, गिवन डाटा क्या आएगा हमारा. जब लोड नहीं कनेक्टेड था तो वो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस इफ द आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ सोर्स ड्रॉप 100 volt. जब लोड नहीं था, मतलब ये वी ऑफ एस जब नो लोड कंडीशन में था, तो आउटपुट वोल्टेज इसका कितने था, 100 volt में था. और देन ड्रॉप विद अ जीरो लोड टू 19 volt विद लोड. मतलब जब लोड है तो मेरा व्यू ऑफ एस की वैल्यू कितनी है, 19 वोल्ट है. और उसका ड्रॉप करंट यानी कि लोड करंट आई एल कितना है, तो 2 एम्पियर है. और मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि आर ऑफ एस, दैट इज़ अ क्वेश्चन मार्क. तो यहाँ पे क्या है, नो लोड वी ऑफ एस यानी कि जब नहीं लोड था, माइनस व्यू ऑफ एस यानी कि जब लोड था, अपॉन आई एल आ जाएगा. ओहम्स लॉ के लिए R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ये हमने देखा था. लेकिन हमारे पास यहाँ पे 2 वोल्टेज की वैल्यू है, इसीलिए हमने, तो R ऑफ S इज इक्वल टू ये आ जाएगा. तो R ऑफ S इक्वल टू क्या आएगा, नो लोड की वैल्यू कितनी है, 100 माइनस 19 वोल्ट अपॉन 2 एम्पियर. तो यहाँ पे 2 एम्पियर, तो 100 माइनस 19 इक्वल टू 10/2. तो इंटरनल रेजिस्टेंस R ऑफ S की वैल्यू क्या आएगी, 5 ओहम आ जाएगी. मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है आपकी, 5 ओहम है. नाउ अब थर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 3.
ये आप लोगों को होमवर्क है। प्रॉब्लम नंबर 3, ये आप लोगों का होमवर्क है। प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है आपका? अ जनरेटर हैज़ बीन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट है तो जब उसका वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट है, और टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप कितना है VT, वो जो टर्मिनल वोल्टेज पे ड्रॉप हो रहा है उसका 16 वोल्ट है, और RL की वैल्यू 14 ओम है। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो प्रॉब्लम नंबर, अब ये इस फिगर पे देखो, ये हमें इंटरनल रेजिस्टेंस उस फिगर के उस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो नाउ इंटरनल या प्रॉब्लम नंबर 3 मैं सॉल्व कर देती हूँ। तो गिवन डाटा क्या आ जाएगा प्रॉब्लम नंबर 3 के हिसाब से? गिवन डाटा क्या आएगा? गिवन डाटा, अ जनरेटर ओपन सर्किट है तब उसका ओपन सर्किट वोल्टेज। गिवन डाटा में क्या आ जाएगा? पहले मेरा सर्किट क्या है? ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट वोल्टेज, फर्स्ट ओपन सर्किट वोल्टेज कितना है मेरा, यानी कि जब ओपन सर्किट था तो लोड कनेक्टेड था क्या उससे? ये हैगा ना, एक ऐसा सर्किट बनेगा आपका, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये वोल्टेज, और ये सर्किट क्या हो गया आपका, ओपन हो गया। यहाँ आर ऑफ एस और यहाँ पे वी ऑफ एस। तो ओपन सर्किट था तब वी ऑफ एस की वैल्यू कितनी है आपकी, तो नो लोड, यानी कि यहाँ पे अब लोड कनेक्टेड है क्या? नहीं है। तो नो लोड था तो वी ऑफ एस की वैल्यू कितनी है आपकी, 20 वोल्ट। और टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि टर्मिनल पे वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा था, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम टर्मिनल वोल्टेज, यानी कि V2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 16। अब इसी पे टर्मिनल वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज कितना है, 16 है। अब यहाँ पे मैं एक लोड को कनेक्ट कर दे रही हूँ, ये हो गया मेरा RL। तो और यहाँ से मुझे अब कैलकुलेट क्या करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि आर ऑफ एस को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या आएगी, वी ऑफ एस जब लोड नहीं था, वी ऑफ एस। अब टोटल रेजिस्टेंस देखो, अब यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, KVL अप्लाई कर रही हूँ। तो मुझे I की वैल्यू क्या, यहाँ पे मैंने KVL अप्लाई किया, मुझे I की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो क्या आएगा, KVL यहाँ पे, नाउ सिंपली मैं KVL अप्लाई कर रही हूँ, तो वी ऑफ एस माइनस I इंटू आर ऑफ एस आ जाएगा, I इंटू आर ऑफ एस माइनस I इंटू आर एल आ जाएगा, तो इक्वल टू जीरो आएगा। तो V ऑफ एस इज इक्वल टू क्या आएगा, I इंटू आर ऑफ एस प्लस I इंटू आर एल आएगा। तो I क्या है, V ऑफ एस इज इक्वल टू I गेटिंग अ कॉमन, तो क्या आएगा यहाँ पे, आर ऑफ एस प्लस आर एल आ जाएगा। तो यहाँ पे I की वैल्यू मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। यहाँ में I दिया है कि पूरे गिवन डाटा में नहीं दिया है, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, I इज इक्वल टू क्या आएगा, I की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, V ऑफ एस अपॉन R ऑफ एस प्लस RL। तो मुझे यहाँ पे I की वैल्यू मिल जाएगी, देन I इज इक्वल टू, मुझे V ऑफ एस की वैल्यू कितनी दी है, 20 दी है, तो 20 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, 20। ठीक है, मुझे R ऑफ एस की वैल्यू यहाँ पे दी है क्या, नहीं दी है, तो मैं आर ऑफ एस एज इट इज लिखती हूँ, प्लस मुझे लोड की वैल्यू दी है, लोड की वैल्यू कितनी दी है, हाँ लोड की वैल्यू आर एल इज इक्वल टू 40 ओम दिया है यहाँ पे। ठीक है, लोड इज इक्वल टू, क्वेश्चन में प्रॉब्लम नंबर 3 में देखिए लोड इज इक्वल टू क्या दिया है आपको, 40 ओम, तो मैं यहाँ पे 40 लिख लेती हूँ। देन अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, टर्मिनल वोल्टेज को भी कैलकुलेट करना है। तो टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, तो टर्मिनल वोल्टेज V ऑफ T इज इक्वल टू क्या था, I इंटू क्या था आपका, RL था, ये हमने कल ही देखा था। तो I इंटू RL बाय यूजिंग ओम्स लॉ, तो RL की वैल्यू क्या है, V ऑफ T इज इक्वल टू, हमें टर्मिनल वोल्टेज भी कैलकुलेट करना है, तो I इंटू RL की वैल्यू क्या है, 40। I की वैल्यू हमने क्या निकाली अभी, V ऑफ T इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय R ऑफ S प्लस 40 इंटू 40। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 16 डिवाइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए अपॉन 40 इक्वल टू क्या आएगा आपका, 20 अपॉन आर ऑफ एस प्लस 40 आएगा। ठीक है, 16 डिवाइड बाय 14 कितना आएगा, 16 डिवाइड बाय 14 कितना?